So, hello team, welcome back to another video. I'm the first time I've got a video. So, today's vlog is a little vlog sad because today's Bakra Zibah is the last day. It's time to literally get out of here. So, after that, it's just and तो मैं से प्यार फील कराया था और कसाईयों के आने के लिए जगह जगह मैंने आया था क्योंकि यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा डला हुआ था। तो ये देख सकते हो जैसे कि पाइप से पानी छाने में आ रहा हूँ और यहाँ पे इसको देख ही चलेगा हम लोग वॉक पे सफाई कर ली थी मैंने ऊपर छत पे और कसाईयों ने कह दिया था कि हम बस 25 से 30 मिनट में आ रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे लास्ट वॉक करा दी जाए। तो उसके बाद आगे इसकी चीज़ें तारें जो उस बेचारे ने पहनी थी इतना वो दुख हो रहा था नहीं सब कुछ करते हुए क्योंकि इसको हमने 6 दिन से रखा था अपने घर। कभी भी हमने किसी भी बकरे बकरे को 6 दिन से ज़्यादा नहीं रखा, 6 दिन से कम नहीं रखा, मतलब हम 5 दिन 4 दिन सबसे ज़्यादा हम लोगों ने 4 दिन रखा था। तो ये लास्ट वीडियो थी इसके साथ जो मेरी थी, इसके बाद कसाई ने ज़िबा कर दिया था और जो मेरा छोटा भाई था वो तो बिल्कुल ही पास नहीं आया था, उसको तो पता नहीं कि इतना ज़्यादा दुख हो रहा था लेकिन फिर थोड़ा बहुत था उसने मैनेज कर लिया था, हमने आपको कोई मसला नहीं था इसमें। तो ये कसाई जैसे क्या देख सकते हो गोश गोश में आ रहे हैं, उन्होंने ज़िबा कर दिया था। उसकी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा देखी है। चलो छोड़ो यार कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जैसे वो कोई ना कोई जानवर लेंगे। तो जो भी अभी जो कसाई जो तेज़ी से तेज़ी जल्दी से जल्दी गोश में आया था, गोश में आके मैं अंदर ले आया था, कसाई चले गए थे तो अब उससे बनाने थे हिस्से लेकिन इसको भी हम लोग रास्ते गए और यहाँ के हमने पहले कुछ चीज़ें ना नहीं थी वो लेने गए और मेरा भाई भी मेरे साथ था। मैंने सोचा क्यों ना इसको साथ ले लें ताकि इसका भी ना वो दिमाग में कहीं और लग जाए, दिल कहीं और लगे ज़रा। तो यहाँ आके देखा तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुनसान है क्योंकि कोई मार्केट में कोई एक दुकान भी नहीं खुली थी, नहीं तो ये मार्केट इतनी ज़्यादा रश वाली होती है। ये बस तो जो भी हम लोग यहाँ पे आए हैं पता नहीं कौन सी मार्केट थी, हमें फर्स्ट टाइम आए थे क्योंकि कोई और मार्केट खुली ही नहीं थी, हमें इसका पहली दफ़ा पता चल रहा था। यहाँ हमने जो भी चीज़ें चीज़ें नहीं वो लेके वापस घर जा रहे थे। चीज़ें क्या नहीं थी, यही थी दही दही वाला, ये देख सकते जैसे दही भी खुला नहीं मिला, नेस्ले उसले भी मिला था वही जीव से बर्गर्स वाला, छोड़ो उसको। तो यहाँ आके देखा तो गोश्त उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा हिस्से बना दिए थे और कुछ मैंने भी बनाने थे जो कि मैं वेट मशीन पर रखे वो बड़ा बन के बना रहा था, अंदर ही मैं मिक्स भी करी जा रहा था लेकिन फिर भी वहाँ से डांट डूट पड़ने के बाद मैं सही से बना दिए सारे। तो अब जैसे कि देख सकते हैं इसे से बना दिया, अभी ना क्या ना कि ये फ्रिज भर ली, इसमें बहुत सारा देने दिन आने वाला भी है। तो उसके बाद सेम टीवी ने साफ़ किया, ये देखो तो साफ़ कर रहा हुआ सारा टीवी ने, और यहाँ आके जो वीडियो बनी थी वो मैंने जिस तरह बनाई थी मुझे भी इतना सैड फील हो रहा था कि कोई बकरा नहीं आ पाता, वो चीज़ भी एक तोड़ी हुई वो तार पड़ी है। चलो यार रात का खाना भी बना, उसके बाद रात के खाने में था चिकन वाई था, हंडी थी और बिरयानी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। इतना काम करने के बाद इतना मज़े का खाना मिल जाए तो क्या ही चाहिए। बस बकरा साथ था ज़्यादा आया था, उसके बाद डिज़र्ट था ये वाला, तो ये डिज़र्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ा था, ये भी मेरी बड़ी बहन ने बनाया था और खाना भी मेरी बड़ी बहन ने ही बनाया था। तो जो भी इसके बाद हम लोग थोड़ी देर वॉक करने आए, बात वैदा बहुत प्यार है, मैं अगर उसकी भी एक छोटी वीडियो बना ली जाए। तो जो भी अभी इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तब तक यही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और बकरा ये बहुत ज़्यादा याद आया था हम सबको, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल फिर से कोई ना कोई जानवर नहीं है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।